हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो मार्क वाइज तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, लेकिन जिंदा रहना चाहते हो, ओके, आपके आगे वाली पीढ़ी को जिंदा रखना चाहते हो तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेम ऑफ चैप्टर रिलेटेड विथ इन्वायरमेंट, दैट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, ठीक है ना। तो आजकल सब जगह प्रदूषण है, हर तरह का प्रदूषण है, विचारों का प्रदूषण भी आजकल चल रहा है, ठीक है ना। तो हवा प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, खाना प्रदूषित है, सब कुछ प्रदूषित है आजकल, ओके। तो वो प्रदूषण कैसे हो सकता है और कैसे हो सकता है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं पोल्यूशन के डेफिनेशन से। तो पोल्यूशन किसको बोलेंगे? पोल्यूशन इज द कॉन्टेमिनेशन, कॉन्टेमिनेट करना मतलब अशुद्ध करना, इम्प्योर कर देना, ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, ओके। जो खुदा ने, ईश्वर ने जो ब्यूटीफुल सा नेचर बनाया है उसको कॉन्टेमिनेट कर देना, प्रदूषित कर देना, दूषित कर देना, कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट, जो नुकसानदेह इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम मतलब लिविंग सिस्टम, ओके, मतलब ये जो भी इन्वायरमेंट है इस पर बहुत हार्मफुल इफेक्ट वो प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलेंगे पोल्यूशन, ओके। पोल्यूशन मतलब कॉन्टेमिनेट करना, पानी को कॉन्टेमिनेट करना, हवा को कॉन्टेमिनेट करना, जमीन को कॉन्टेमिनेट करना, अलग अलग टाइप के प्रदूषण होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पोल्यूशन। तो पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? पोल्यूशन इज द कॉन्टेमिनेशन, हस्तक्षेप, कॉन्टेमिनेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, एक जनरल डिस्कशन है, आप ब्रीफली आगे देखेंगे हम, डोंट वरी, लेकिन जनरल डिस्कशन है कहाँ कहाँ से पोल्यूशन हो सकता है। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, जिधर देखो उधर इंडस्ट्री इंडस्ट्री लगी हुई, ठीक है, ओके। फैक्ट्रीज लगा दी लोगों ने, बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे फैक्ट्रीज लगा दी गई हैं। और क्या किया जाता है, जो फैक्ट्रीज का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे शक्कर का कारखाना है, प्लास्टिक का कारखाना, ये बहुत सारे हार्मफुल वेस्ट इससे जनरेट होता है, और इससे जो टॉक्सिक, जो विषारी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाता है रिवर में विदाउट एनी ट्रीटमेंट। उस पर किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। आप बोलोगे सर क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज सबसे सेल्फिश जो आदमी है, या फिर सॉरी, सबसे सेल्फिश जो जानवर है इन्वायरमेंट में, वो है आदमी, ओके। अब उस पर ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा लगेगा ना, कौन खर्च करे, छोड़ दो, छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके बहुत सारे डेंजरस इफेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, अब कोई भी फैक्ट्री हो उसमें कुछ ना कुछ बर्न होगा, 100% बर्न होगा, मतलब इनकम्प्लीट कम्बशन होगा, तो इनकम्प्लीट कम्बशन इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, इनकम्प्लीट कम्बशन से ऐसे बहुत टॉक्सिक हाईली पॉइजनस गैसेस जनरेट होते हैं और जो कि इमिट हो जाते हैं। Do you know the परिस्थिति ऑफ दिल्ली nowadays? अभी वो बेचारे केजरीवाल जी आए इसलिए कुछ तो भी है, लेकिन अगर उसमें पॉलिटिक्स में हम घुस जाएंगे तो फिर तो बहुत डेंजर हाल होता था दिल्ली का, ठीक है ना। बहुत पॉल्यूशन है, बहुत पॉल्यूशन है, बिकॉज वहाँ पर व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स बहुत है, ठीक है। तो इसलिए टॉक्सिक गैसेज डायरेक्टली क्या कर दिए जाते हैं, इजेक्टेड इन एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में छोड़ दिए जाते हैं। हमारी ट्रेनिंग थी, हम गए थे चंद्रपुर में, तो वहाँ के लोगों के आंग पे ऐसी काली परत जमा हुई होती है, ठीक है ना। चंद्रपुर में थर्मल पावर प्लांट है ना, दगड़ी कोलसे को जलाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। टेंथ में पढ़ोगे आप डिटेल में, अभी पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है, ठीक है ना, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के, जिसमें थर्मल पावर प्लांट, सब तरह के पावर प्लांट एक्सप्लेन किए हुए हमने, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे क्या हो जाता है, फैक्ट्रीज वगैरह से बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आजकल लोगों को कुछ काम ही नहीं रहा, जो आ रहा उन्हें, ठीक है ना, तो पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। 150 करोड़ के नज़दीक हमारी पॉपुलेशन पहुंच गई है। तो पॉपुलेशन बढ़ जाने पे क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी काय की, फूड की, फिर हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। फैक्ट्रियाज रातों रात दिन चलते रहेंगी, फैक्ट्रियाज चलते रहेंगी तो उसमें से जो बाय प्रोडक्ट होंगे, वेस्टेज प्रोडक्ट होंगे, वो एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए जाएंगे, या फिर बाय प्रोडक्ट नदी में छोड़ दिए जाएंगे जो उसको पॉल्यूट करेंगे। तो यहाँ पर वाटर पोल्यूशन होगा, यहाँ पर एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद माइनिंग, ओके, अब ये थर्मल पावर प्लांट में जो कोल लगता है कहाँ से लाया जाता है, ज़मीन को खोद के। अब ज़मीन को खोदने से क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन होगा, ज़मीन नीचे धूप होगी, ओके, सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप व्हीकल यूज़ करते हो, ऑटोमोबाइल, स्वयंचलित वाहन जो खुद से चलते हैं, जिसमें इंजन होता है, इंजन में क्या होता है, पेट्रोल डीजल बर्न होता है, पेट्रोल डीजल बर्न होगा, इनकम्प्लीट कम्बशन होगा, इनकम्प्लीट कम्बशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे हाईली पॉइजनस गैस क्या होंगे, इमिट होंगे, और ये स्मोक क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाएगा, जिससे बहुत ही डेंजरस एयर पोल्यूशन होगा, और एयर पोल्यूशन होने से रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग डिसीज हो जाएंगे, ओके। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग एज वेल एज अदर एनिमल्स, ओके। उसके बाद अब ये देखो, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। पेस्टिसाइड मतलब कीटकनाशक, कीड़े मारने के लिए जो दवा फवारी जाती है ना, दैट इज पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर मतलब खत।
तो ये ज़रूरत से ज़्यादा आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा चाहिए, आउटपुट ज़्यादा चाहिए लोगों को, ओके। इसलिए क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो रही है। जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह आपने ज़्यादा यूज़ किया, पानी गिरेगा, पानी के साथ फर्टिलाइज़र बहते हुए नज़दीक जो तालाब होगा, तालाब में चले जाएंगे, पानी कॉन्टेमिनेट हो जाएगा उससे, या फिर ज़मीन कॉन्टेमिनेट हो जाएगी, तो इस तरह के पॉल्यूशन उसमें हो सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्री में क्या होगा, पावर प्लांट में क्या किया जाता है, बहुत से बार पावर प्लांट में कोल बर्न किया जाता है, या कुछ ना कुछ बर्न होता है 100%, और बर्न होने पर क्या होता है, इनकम्प्लीट कम्बशन अगर हुआ तो टॉक्सिक गैसेस इजेक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये टाइप के। तो ये टॉक्सिक गैसेस अगर आपने एटमॉस्फेयर में इजेक्ट कर दिए तो उससे एयर पॉल्यूट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे भी फैक्टर है, और मोस्टली ह्यूमन के वजह से ही पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाना, वनवा बोलते हैं उसको, पढ़ा होगा आपने, वनवा, जंगल में आग लग जाना, जहाँ भी आग लगेगी इनकम्प्लीट कम्बशन होगा, बहुत सारा धुआं निकलेगा, ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ पोल्यूशन। वोल्केनिक इरप्शन मतलब वो जो ज्वालामुखी उद्रेक होता है ना, वो फूटता है, उसमें से बाहर धुआं निकलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो उससे भी पोल्यूशन होता है। लेकिन इनको हम ज़्यादा नाम नहीं रख सकते, ये कभी कभी होते हैं। तो वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, अलग अलग जो ह्यूमन जो सेल्फिश होते जा रहे हैं आजकल, ज़्यादा चाहिए, किसी को भी ज़्यादा चाहिए, कम नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग तरह का पॉल्यूशन होता है। तो इस चैप्टर में हम तीन पॉल्यूशन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है। पॉज करके सारी चीज़ें नोट कर लो। जो पॉल्यूशन करवाते हैं, ऐसे फैक्टर को बोला जाता है पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स मतलब पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट, जिसके वजह से पोल्यूशन होता है उसको बोला जाता है पोल्यूटेंट्स। क्या बोला जाता है, पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो पोल्यूटेंट्स आर द फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स होते हैं दैट एडवर्सली, बैडली, एडवर्सली मतलब बहुत नुकसान करते हैं, एडवर्सली बैडली इम्पैक्ट नेचुरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब परिसंस्था, ये जिसमें हम रह रहे हैं उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट, नुकसानदेह परिणाम होंगे ऑन बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब जो जिंदा होंगे, अबायोटिक मतलब जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग, ओके। कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के दो टाइप के कॉम्पोनेंट होते हैं, एक बायोटिक एक अबायोटिक। बायोटिक मतलब जो जिंदा होते हैं उसको बायोटिक बोलते हैं, अबायोटिक मतलब निर्जीव, ओके। दे प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नुकसानदेह इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं पोल्यूटेंट्स, ओके। अब इंडस्ट्री में से गैसेस रिलीज हो रहे हैं, बहुत ही हार्मफुल डेंजरस गैसेस रिलीज हो रहे हैं, एयर पोल्यूशन करेंगे। इंडस्ट्री का वेस्ट है, सीधे आप नदी में या किसी पानी के सोर्स में, पानी का सोर्स भी क्या होगा, एक तरह का इकोसिस्टम होगा, उसमें छोड़ रहे हो आप, तो आपका पानी पोल्यूट हो जाएगा। वही टॉक्सिक पानी जो हमारे जानवर होंगे, या फिर कुछ लोग खेड़े में या फिर छोटे सिटी में विदाउट एनी ट्रीटमेंट डायरेक्ट पानी पी लेते हैं, वो नदी का या फिर जो वेल होती है वेल का, तो इट विल बी डेंजरस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब परिसंस्था, जो कुछ भी रह रहे हैं, पेड़ पौधे, ये जो कुछ भी है, दैट इज इकोसिस्टम। एंड बायोटिक एंड अबायोटिक आर द टू टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक्स मतलब लिविंग, नॉन बायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है। अब पोल्यूटेंट्स दो तरीकों के हो सकते हैं, एक तो वो नेचुरल होते हैं या फिर मैन मेड होते हैं। अब नेचुरल मतलब जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, नेचुरल, लेकिन कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता है। अब जिंदगी भर वोल्केनिक इरप्शन चालू रहता है क्या? नहीं। जैसे कि धूल उड़ना, धूल इज अ नेचुरल, तो कुछ देर बाद पानी गिरेगा, पानी गिरने के बाद बरसात में धूल फिर से चली जाएगी। तो मैं नेचुरल जो पोल्यूशन होता है उसका नेचर ने ऑटोमेटिक उसका अरेंजमेंट किया हुआ है, लेकिन जो आदमी सेल्फिश पना के वजह से या खुद को ज़्यादा आउटपुट देने के लालच में, ओके, एक तरह के लालच में जो कुछ भी काम कर रहा है, एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज़ करना, बहुत सारी इंडस्ट्री लगा देना, पानी के अंदर डायरेक्टली वेस्ट, पॉइजनस वेस्ट छोड़ देना, तो ये जो आदमी गलत काम कर रहा है, ये इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अब ये कंट्रोल के बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो अलग अलग उससे डेंजरस इफेक्ट होते हैं, उसके पढ़ेंगे हम आगे। तो द नेचुरल पोल्यूटेंट्स आर डिग्रेडेबल, डिग्रेडेड नेचुरली, इनको कम किया जा सकता है नेचुरली आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। लेकिन जो मैन मेड होते हैं, मैन मेड आर्टिफिशियल पोल्यूटेंट्स होते हैं, उसको कम करना, वो बहुत दिनों देर तक परसिस्ट होते हैं, रह जाते हैं, टिक जाते हैं, परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, बहुत ज़्यादा पीरियड के लिए टिक जाते हैं, एंड इट विल हैज़ वेरी एडवर्स, वेरी बैड इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट, ठीक है। आपने ये लिख लिया, पॉज करके, नहीं लिखा तो वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर से लिखिए, ठीक है। अब सबसे पहला जो पोल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अफेक्टिंग नाउअडेज वेरी बैडली एंड इंक्रीजिंग वेरी फास्टली नाउअडेज, दैट इज एयर पॉल्यूशन। कौन सा पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन, ठीक है।
है ना, तो ऐसे बोला जाता है एयर पॉल्यूशन, ऐसे बोला जाता है कि एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। देख लो हाँ, क्या बोला जाता है, एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, ओके, एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप ऑफ गैसेस या डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। ओके, अब एक रफली आपको आइडिया दे दूं मैं, एयर में क्या होता है, 78% के लगभग नाइट्रोजन गैस होता है, उसके बाद 21% के लगभग ऑक्सीजन गैस होता है, उसके बाद 0.9% कितना, 0.9% इसमें आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस होते हैं, और बाकी अदर गैसेस होते हैं, जितना भी बच जाता है 0.1% या जो कुछ भी बच जाता है ये अदर गैसेस होते हैं। ठीक है, अब इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, अलग अलग तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज ले लो, या PPM एक होता है, PPM मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन अगर हवा लोगे तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10^6 इतनी हवा अगर आप लोगे तो उसमें 78% तो नाइट्रोजन आ जाएगा। ओके, 78% नाइट्रोजन होगा, फिर उसके बाद 21% उसमें ऑक्सीजन होगा, 21% के लगभग 20.9 ओके ऑक्सीजन होगा, उसके बाद बहुत कम ओके ये होते हैं नोबल गैसेस जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, और बहुत कम होते हैं अदर गैसेस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, बाकी सारे हार्मफुल गैसेस आ गए, ओके, बहुत कम अदर गैसेस होते हैं। ठीक है, अब देखो कंबशन के वजह से कौन कौन से पॉइजनस गैसेस हवा में बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कंबशन, अलग अलग तरह की चीज़ें जलने की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, फॉरेस्ट फायर की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या हो रहा है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हार्मफुल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत एडवर्स इफेक्ट होते हैं इनके, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंबशन से जनरेट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डेंजरस हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस हैं, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड, नाम लिख लेना आप, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इस तरह के ये सारे वेरियस काइंड्स ऑफ पॉइजनस गैसेस हैं जो कंबशन में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो अब हम 3 तरह का पोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पोल्यूशन होता है जो कि बहुत डेंजरस भी होता है, एयर पोल्यूशन। तो एयर को कंटेमिनेट कर देना अनवांटेड सब्सटेंस से, पॉइजनस गैसेस से, उसको बोलेंगे एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, कंटेमिनेशन, ओके, अशुद्ध पार्टिकल अंदर ऐड कर देना ऑफ एयर बाय हार्मफुल सब्सटेंस लाइक टॉक्सिक गैसेस, डस्ट, स्मोक, ओके, स्मोक पार्टिकल मैटर, ओके, या माइक्रोब्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह अगर एयर में चले गए तो एयर का पॉल्यूशन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एयर पॉल्यूशन। तो कॉन्टेमिनेट कर देना, अशुद्ध कर देना हवा को, हवा का अशुद्धिकरण कर देना, कैसे अशुद्धिकरण कर देना, उसमें हार्मफुल सब्सटेंस डाल देना लाइक टॉक्सिक गैसेस, स्मोक एंड ऑल दैट, ओके, तो उसको बोलेंगे एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के रीज़न क्या क्या होते हैं, तो बेसिकली रीज़न जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है नेचुरल रीज़न, जो नेचर द्वारा क्रिएट किए जाते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल रीज़न, एंड वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल, वेरी सेल्फिश रीजन्स मैन मेड रीज़न, जो आर्टिफिशियली ह्यूमन बींग्स के द्वारा किए जाते हैं उनको बोलते हैं मैन मेड रीज़न। ठीक है, तो नेचुरल रीज़न 5 है। पहला रीज़न है होल्केनिक इरप्शन, होल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी, ओके, तो होल्केनिक इरप्शन में क्या हो जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इजेक्ट होते हैं, वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, ओके, मटेरियल्स लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, वेरी हार्मफुल, नाम लिख लेना हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, पानी के वेपर्स, डस्ट, धूल, ये सारे गैसेस क्या होते हैं, हवा में इजेक्ट कर दिए जाते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीनों तरह के मटेरियल हवा में इजेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि नाम लिखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, वेपर, डस्ट, इतने सारे पार्टिकल होल्केनिक इरप्शन में हवा में रिलीज किए जाते हैं जिस वजह से
पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये होल्केनिक इरप्शन का पोल्यूटेंट्स है, ये होल्केनिक इरप्शन टाइप है उसका ये पोल्यूटेंट्स है। नंबर टू अर्थक्विक, अर्थक्विक यानी भूकंप। जब भूकंप होता है तो भूकंप के पोल्यूटेंट्स कौन कौन से है, पॉइजनस गैसेस एंड वेपर्स ऑफ वाटर आर रिलीज फ्रॉम अर्थ। तो जमीन में से क्या होता है, कुछ पॉइजनस गैसेस इजेक्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर्स रिलीज हो जाते हैं, बहुत सारे वाटर वेपर्स रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अर्थक्विक के बाद होती है, तो अर्थक्विक की वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। उसके बाद साइक्लोन एंड डस्ट स्टॉर्म, चक्रीवादल, चक्रीवादल या बहुत सारी हवा छूट जाना, हवा छूटने से क्या होता है, डस्ट उड़ती है, धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, कचरा उड़ता है, या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरे जगह में हवा में फैल जाते हैं। ठीक है, नॉर्मली साइक्लोन या डस्ट स्टॉर्म के बाद बहुत सारी बीमारियां फैलती है, उसका कारण होता है एयर पोल्यूशन। क्या होता है, एयर पोल्यूशन। तो ये तीसरा नेचुरल रीजन है। उसके बाद चौथा है फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाना, इसको वनवा भी बोलते हैं। तो जंगल में आग लगेगी तो पेड़ पौधे, बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल जल जाएगा जिसमें कार्बन होगा, तो उस जलने में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होगा, और बहुत सारा धुआं, स्मोक भी रिलीज हो जाएगा, स्मोक भी रिलीज हो जाएगा। सो दिस इज द फोर्थ नेचुरल रीजन। देन फिफ्थ वन, माइक्रोब्स इन एयर। ओके, फिफ्थ वन माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिससे डिसीज जनरेट होता है, जैसे पोलन्स ऑफ पैराथेशियम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम है जिसकी वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। फंजाई है, फंजाई की वजह से बीमारियां हो जाती है। स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया हवा में फैल जाएंगे जिसके कारण अलग अलग तरह की नई नई बीमारियां आजकल फैली हुई, जैसे कि कोरोना। कोरोना से तो बिल्कुल डरना मत, लेकिन है भाई, ओके, उसमें वो भी एक तरह का वायरस है। ठीक है ना। अब उसके बाद मैन मेड रीजन कौन कौन से है, सेकंड टाइप भी मैन मेड रीजन। तो मैन मेड रीजन चार है और सबसे डेंजरस है। ठीक है ना, मैन मेड रीजन। नंबर वन, पहला रीजन, बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो अब जहां जहां भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो वहां वहां पर बर्निंग चल रही है, जैसे कि कोल बर्निंग हो रहा है पावर प्लांट में, उसके बाद टिम्बर, लकड़ी जलाई जा रही है, उसके बाद एलपीजी, घर में लिक्विड पेट्रोलियम गैस जलाया जा रहा है, केरोसिन जल रहा है, डीजल जल रहा है गाड़ियों में, पेट्रोल जल रहा है, तो इनके जलाने से। और उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा टाइप है बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, कचरा जमा किया, जला दिया उसको। उसके बाद एग्रीकल्चरल वेस्ट, क्या करते हैं, खेत में जब खेत की कर दिया, वैसे तो किसान को ज़्यादा नाम भी रखना नहीं चाहिए, हम इतना सेल्फिश बिहेव करें तो वो बेचारा थोड़ा कर ले तो क्या होता है, वो कचरे को जला देता है। तो जलाने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम लिखते जाऊँ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड लीड, पीबी, लीड, लीड बहुत डेंजरस होता है, बहुत पॉइजनस होता है। लीड कंपाउंड्स आर इजेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर। फिर से एक बार, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड पार्टिकल्स, लीड कंपाउंड्स आर इजेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर। ये दोनों जगह बर्निंग होगी तो ये पॉइजनस गैसेस वगैरह हवा में छोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरा होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे डेंजरस है सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर हवा में इजेक्ट हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड इजेक्ट हो जाता है, कॉटन सीड पाउडर हवा में इजेक्ट हो जाते हैं जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है या फिर एयर पोल्यूशन हो जाता है। और ये एटॉमिक प्लांट हमने पढ़ा है, यूरेनियम का बम्बार्डमेंट न्यूट्रॉन से करो, बेरियम, क्रिप्टॉन, तीन न्यूट्रॉन, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, तो उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट, यूरेनियम, थोरियम, ग्राफाइट जो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, प्लूटोनियम, प्लैटिनम नहीं, सॉरी, प्लूटोनियम, 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 तो इस तरह के वेरी हार्मफुल, एटॉमिक ब्लास्ट वगैरह हो गया तो ऐसे हार्मफुल गैसेस जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, जिनसे कैंसर हो सकता है, हवा में रिलीज होते हैं एंड दे आर वेरी 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 डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। ओके, तो इस तरह से बहुत ही डेंजरस सा एयर पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो पॉज करके ये बढ़िया से चीज़ें नोट करो, जल्दी मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।